सभी का दिल जीतने वाले नाना पाटेकर और हॉट एंड सेक्सी तनुश्री दत्त आजकल खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। इन दोनों की 2008 में हुई कॉन्ट्रोवर्सी ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। जहां आए दिन तनुश्री नाना और उनके साथियों की पोल खोलने में लगी हुई हैं, वहीं अब जाकर नाना ने भी अपनी जुबान फाइनली खोल दी है। जी हां, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नाना ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है और कहा कि मैं क्या कह सकता हूं कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मैं कैसे जान सकता हूं कि वह ये सब क्यों बोल रही है। यौन शोषण से उनका क्या मतलब है। सेट पर मेरे साथ 50 से 100 लोग रहते थे। इतना ही नहीं, आगे नाना ने ये भी कहा, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन ये सब मीडिया को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ भी चलाएंगे, जिसे जो कहना है कहता रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो देखा आपने, नाना ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। वैसे आपको याद दिला दें, ये कॉन्ट्रोवर्सी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के दौरान की है। तनुश्री का कहना था कि नाना ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। नाना पर तनुश्री ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इस किस्से के बाद तनुश्री ने बॉलीवुड से किनारा करना सही समझा था और यूएसए शिफ्ट हो गई थी। वहीं हाल ही में जब वो कई सालों बाद वापस मुंबई आई, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि नाना का औरतों से छेड़छाड़ का इतिहास रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, तनुश्री और नाना में से कौन सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।